एक हदीस है सही बुखारी में और उसे कहते हैं हदीस लदूद, और लदूद के माना है किसी के मुंह में डालना कुछ। और ये आयत नकल हुई जनाब आयशा से, वो फरमाती हैं लदुदना रसूल अल्लाह, कि हमने रसूल अल्लाह के मुंह में जबरदस्ती जो है एक दवा को डाला था। फजाला यशीरो, और वो इशारा करते रहे अल्लाह तलदूनी, वो इशारा करते रहे ना डालो, ना डालो मैं हमारे मुंह में कुछ, कुछ ना डालो मेरे मुंह में। फकुलना कराहियत للموت وكراهيه المريض للدواء, तो हमने कहा कि ना मरीज तो दवा से जो है वो चिढ़ते ही हैं, या रसूल को रसूल नहीं समझा जा रहा, खुद इकरार किया जा रहा है कि वो कह रहे थे फजाला युशीरु अलैना अल्ला तलदूनी, यानी वो इशारा कर रहे थे ना, जितनी ताकत थी उनमें, यानी जबरदस्त किस्म की जब तबीयत खराब थी उनके मुंह में कुछ डाला गया। क्या डाला गया? वो फरमाती दवा डाली गई, लेकिन जब अशरफुल अंबिया, ये खुद फरमाती है, जब उनको होश आया मुकम्मल तरीके से संभले तो उन्होंने कहा कि जब मैंने मना किया था मेरे मुंह में कुछ न डालना, क्यों डाला गया? अब यहां पर जो असल मौजू आता है कि अशरफुल अंबिया अपनी अजवाज से और घर वालों से कह रहे मेरे मुंह में कुछ न डालना, कितना एतमाद था, कितनी मोहब्बत थी, कितना एतमाद था। और यहां से पता चलता है कि खतरा जो है अंदर से भी उनको महसूस होता था, बाहर से भी होता था, क्योंकि हमारे यहाँ की रिवायत नहीं है, और मुमकिन है कि आप में से कभी किसी ने इसको ना सुना हो। इसको कहते हैं हदीस लदूद, कितना एतमाद था अपने घर वालों पर, अजवाज पर, अशरफुल अंबिया को, यह भी इससे वाजे हो जाता है, सही बुखारी से, हजरत आयशा से यह भी वाजे हो जाता है कि वो इस जहर के बारे में, चीज़ों के बारे में जानते थे, कुछ भी हो सकता है। और ये बड़ी अकली सी बात है कि जिसकी इतनी पावर हो, एक नबी हो जिससे इतनी जंगें की जा चुकी हों, तो उनको कत्ल के लिए क्यों इम्कान उनका मुस्तरद किया जाता है, जबकि कुछ ही दिन पहले जब वो घाटी से गुजर रहे थे तो पत्थर भी फेंके गए थे। जिसको घाटी से पत्थर फेंक के कत्ल की साजिश अपने अफराद कर सकते हैं, तो उनकी शहादत के बारे में इतना कन्फ्यूजन क्यों डाला जाता है, उन पॉसिबिलिटीज का इकरार क्यों नहीं किया जाता? आप खुद इतनी एहतियात फरमा रहे हैं कि अपनी अजवाज से कह रहे हैं कुछ ना डालना, मगर इसी के ऊपर बात खत्म नहीं हुई। हजरत आयशा फरमाती हैं कि फिर आपने फरमाया कि ये जो मेरे मुंह में तुम लोगों ने डाला है ये सबके मुंह में डाला जाए सिवाय अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के। यह एतमाद है। अब यह है रिवायत, इससे क्या क्या माना निकलते हैं, आया ये हकीकत है या ये बताने के लिए है कि कुछ नहीं था उसमें, ये हम कुछ इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि अशरफुल अंबिया को भी अपनी जान का खतरा था, और इतना जान का खतरा था कि अपनी अजवाज को भी मना किया था मेरे मुंह में कुछ न डालना, और इतना खतरा था कि जो डाला है तो कहा अपने मुंह में भी डालो। अब इसको आप जो भी समझ लें, मोहब्बत समझ लें या शक समझ लें, सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद,